फ्रंट में दिखा रहे हैं, इसमें पुरानी गाड़ियां रखी हुई है, जो गाड़ियां यूज इस्तेमाल हुए डैम को बनाने में। अब इधर हम लोग आपको सिस महल में ले जाते हैं। ये सिस महल का एंट्रेंस है और ये जो आपको आगे दिखेगा वो सिस महल फुल थोड़ा ना मना है, हम लोग ने कह रहे हैं। ये देखिए यही है सिस महल, यहाँ पर कुछ कुछ देवी देवता है, फूल लगा हुआ है और फाउंटेन भी है। आदिवासी सोसाइटी फॉर आर्ट एंड क्रिएशन फुहारा है और लोगों को पता नहीं है, आप लोग इसको विजिट कर सकते हैं। लाइटें लगी हुई है, फुहारा है, पता नहीं है कब चलता है या नहीं चलता, ये हमें पता नहीं, पर भाई साहब को आप देख सकते हैं यहाँ नहा रहे हैं। ये मंदिर है, यही है सिस महल। इसके अंदर क्या है ये भी मुझे पता नहीं है, पर अभी अगर कुछ हो सके तो अंदर जाके देखते हैं। आप देखिए ये मूर्ति कला का उदाहरण है, लोग पुराने ज़माने में जैसे पत्थर को काट के मूर्ति बनाते थे, वैसे ही कुछ बात करते हैं अंकल से। अंकल जी आप मूर्ति बना रहे हैं, आपने ये कला जो है आपके पूर्वज से सीखे हैं, आपका घर कहाँ हुआ? नहीं चंडिल में ही? ओ चंडिल में ही घर है यार, आप ये सब बनाने सीख रहे हैं, ठीक है। इसको फिनिशिंग टच देने में दिक्कत हो रही है वाला पत्थर से, तो हाँ नहीं मतलब कि पत्थर टूट तो नहीं ना जाता है, क्योंकि और जो पुराने हम दूसरी जगह का जो मूर्ति देखते हैं वो बड़ा प्लेन प्लेन बनता है, और इसको भी आप प्लेन बना सकते हैं ना। हाँ 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 इस तरह का जो है पुराने ज़माने में, जैसे आप लोग पाषाण काल में, तो पाषाण काल में पुराने मंदिरों में आप लोग देखते थे, वैसे ही मूर्ति आपको यहाँ पर लेटेस्ट ज़माने में, मॉडर्न ज़माने में भी यहाँ पर मूर्ति बनाते हुए भाई अंकल को देख सकते हैं। हम लोग भी रांची से आए हैं। हाँ नहीं कम ही लोग हैं, दो चार लोग ही हैं जिसे नहा रहे। हाँ चांडिल से हम लोग का ताल्लुकात है। ये आप छोटे छोटे मूर्ति को देख सकते हैं। हाँ अंकल जी आपका जरा नाम बताइएगा। हाँ नाम है गुंठल है, रांची में बहुत आदमी जानता है। हाँ गुंठल नायक, गुंठल नायक, लायक नायक। अच्छा लायक। चंडिल में कहाँ पर घर हुआ आपका? अच्छा अच्छा डैम कॉलोनी में। डैम कॉलोनी अच्छा अच्छा ये राजा विक्रमादित्य का फोटो है। गुंठा लायक, वाह बहुत अच्छा कलाकृति करते हैं अंकल। और आपको कुछ और पुरानी चीज़ें दिखाते हैं। हाँ ये सारे मूर्तियाँ ये अंकल ने बनाए हैं। हाँ राम, अच्छा अच्छा पूरा रामायण को दर्शाया गया है। ये हनुमान जी यहाँ पर नीचे में, हनुमान जी नीचे में, ये राम लक्ष्मण सीता जो है। जी 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 हाँ जी, अच्छा अच्छा राजभवन आप गए हैं जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। ये कुछ पत्थर की मूर्तियाँ बनी हुई है, अच्छा कोई बात नहीं, वो जो भी थोड़ा है वो गलत बात है। अच्छा अच्छा ये हनुमान जी, हाँ लक्ष्मण, हाँ जब जो है ये लड़ने के लिए गया था, लड़ने के लिए जो माने इंद्रजीत जो मरा था। अच्छा अच्छा इंद्रजीत मरा था। हाँ हनुमान जी जो है पत्थर पहाड़ उठा कर ले जा रहा था। इधर भी कुछ मूर्तियाँ हैं, ये गार्डन को सजाया गया है। राधा कृष्ण, हाँ वो एक माने नृत्य नृत्य करने वाला कर्नाटक का, हाँ माने किराटिन है। अच्छा अच्छा बोलते हैं। हाँ उसको उसका भी माने किराट भी था, उसको
लेके भाग गया। अच्छा अच्छा इसका उसका वो जुड़ा हुआ था लड़का वाला। हाँ अच्छा अच्छा किराट और किराटीन ये बिरसा मुंडा। अच्छा 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 हाँ देख लिए देख लिए और बिरसा मुंडा और उसके बाद इधर में अच्छा इधर में विष्णु जी को आप देख सकते हैं और इधर में ये हमको लगता है सरस्वती माता है क्या। हाँ बिना पकड़ के सरस्वती माता है। ये सब आप अच्छा बनाया अंकल बस थोड़ा सा और हाँ ये भी सरस्वती इसको थोड़ा सा और थोड़ा मतलब मेहनत करके थोड़ा प्लेन वगैरह किया जा सकता है। आपका और ऑफिसर का सरकार का है आप ही इसका देखभाल करते हैं पूरा इलाका का। हाँ गणेश जी हाँ पब्लिक का मतलब ठीक है आप हमको थोड़ा फंड उन दीजिए हम जो है उसको देखभाल करते हैं रखते हैं पब्लिक के लिए खोले हैं। नहीं पब्लिक का मतलब कहने का मतलब पब्लिक का नहीं होता है हम लोग इसको कोई चीज़ यहाँ से उठा नहीं सकते कुछ धन दौलत नहीं ले जा सकते लेकिन हम लोग पब्लिक मतलब क्या हम लोग आकर के देख सकते हैं एक आनंद ले सकते हैं। अच्छा इसका अभी देखभाल कौन करता मतलब इसका ये जो खर्चा लगता है मेंटेनेंस का। राजभवन में आप गवर्नर से मिलने गए थे आप। हाँ अच्छा 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 तो हमारा ये कहना है कि इसको जो है आम पब्लिक के लिए खोल दिया जाए और मतलब जैसे ये हो गया लोग डैम के लिए आते हैं तो यहाँ पर भी आकर के लोग देखे इसको और आनंद ले उसको देखे अच्छा ले अच्छा लगे उनको ताकि बार बार विजिट करने आए। अच्छा अच्छा यहाँ पर दारू वगैरह कुछ चलता भीम राव जी का गांधी जी है अगला। हाँ हाँ अच्छा हेड ऑफिस पाकुम म्यूजियम आदिवासी। अच्छा अंदर मूर्ति उठी है तो चप्पल तो नहीं ले जाना है। इसको अगर सरकार ध्यान देता तो इसमें जो है बहुत अच्छा देखने लायक बनाया जा सकता था। ये जो आपको पुराना अच्छा यहाँ पर अखाड़ा है आपको ले चलते हैं अखाड़े में। जो अखाड़ा का मतलब होता है कि यहाँ पर आपको एक स्टेडियम टाइप जगह है जहाँ पर आप जो है एक बहुत ही शानदार नज़ारा स्टेडियम के जैसा है आपको दिखाते चारों तरफ। ये जो है आपको स्टेडियम के जैसा एक स्टेडियम ही समझ लीजिए और इस स्टेडियम में यहाँ पर पब्लिक जो है ये सारे चेयर्स में जैसे हम बैठे हैं हर
जबरदस्त नज़ारा है झारखंड में। बहुत सारी चीज़ें हैं, प्राकृतिक संदर्भ है, मेन संदर्भ है, लेकिन उसको